जय श्री कृष्णा। अखंड ज्ञान ज्योति परिवार में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि हमारे घर में या घर के बाहर आकर कोई भी जानवर क्यों रोने लगता है और उसका क्या परिणाम होता है, हमारे जीवन पर उसका क्या प्रभाव होता है, इस विषय पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। देखिए, जब भी कोई जानवर हमारे घर में या घर के बाहर आकर रोता है तो आप यह बात समझ लीजिए कि इसका परिणाम कभी भी शुभ नहीं होता, यह हमेशा अशुभ ही होता है। और जैसे कोई भी जानवर, बिल्ली, कुत्ता, जब भी कभी रोते हैं तो ये कुछ संकेत करते हैं जो हमें बताते हैं कि अब हमारे जीवन में कुछ ऐसा घटित होने वाला है जो बिल्कुल भी शुभ नहीं होगा, इसका प्रभाव हमारे ऊपर अशुभ ही होगा। देखिए, ये जो जानवर होते हैं, ये इनकी छठी इंद्रिय जो होती है ये बहुत ही तेज होती है, तीव्र होती है। ये इनकी सुनने की और देखने की क्षमता मनुष्य की सुनने की और देखने की क्षमता से कई अधिक होती है। ये उन छोटी से छोटी, सूक्ष्म से सूक्ष्म और पारलौकिक शक्तियों को देख सकते हैं, उनकी आवाज़ को सुन सकते हैं और उनको सुनकर या उनको देखकर ही ये हमें कुछ संकेत करते हैं जो ये रोकर हमें बताते हैं कि हमारे जीवन में इसका क्या असर पड़ने वाला है। तो देखिए, हम सबसे पहले बात करेंगे बिल्ली की। बिल्ली एक ऐसा जानवर है जो हमारे घर के आसपास आराम से आपको देखने को मिल जाएगा। और ये जो जानवर जो होता है, ये राहु का भान माना जाता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जब कभी किसी के ऊपर राहु की महादशा हो तो उसे बिल्ली पाल लेनी चाहिए, क्योंकि तब ये उसको शुभ परिणाम देती है। लेकिन यदि बिल्ली अगर घर में आकर रोए, चाहे वो पली हुई बिल्ली क्यों ना हो, अगर वह घर में आकर रो रही हो या रोज रोज रो रही हो, तो इसका परिणाम बहुत ही अशुभ होता है। इसका अर्थ ये होता है कि अब उस घर के जो मुखिया हैं, जो भी उसका जो मुख्य व्यक्ति जो है घर का, उसका ट्रांसफर हो सकता है या उनको अब घर बदल कर जाना पड़ सकता है, और जो यह बिल्कुल भी शुभ फलदायी नहीं माना जाएगा। इसलिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि बिल्लियाँ कभी भी घर में आकर ना रोएं। और दूसरी बात है कि अगर बिल्लियाँ घर में आकर लड़ाई लड़ें, जैसे दो बिल्ली या दो से ज़्यादा बिल्ली अगर घर में आकर लड़ाई लड़ना शुरू कर देती हैं, तो ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसका परिणाम ये होता है कि फिर उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति के या उस घर के मुखिया को धन हानि को उठाना पड़ता है, उसके घर में धन हानि होना प्रारंभ हो जाती है। जैसे आपने कभी नोटिस किया होगा कि अगर कभी भी घर में बिल्ली आकर लड़ती तो आप देखेंगे उसके बाद आपके घर में एक के बाद एक चीज़ें खराब होना शुरू हो जाती हैं, जो कि आपके घर में धन हानि को कराती हैं, तो ये बहुत ही अशुभ होता है। इसलिए हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि घर में अंदर आके बिल्लियां कभी ना रोएं, क्योंकि बिल्ली जब चलती है तो इसके पैरों से धूल उड़ती है, हमेशा नकारात्मक ऊर्जा को ही बढ़ाती है और सकारात्मक ऊर्जा को ये नष्ट करने वाली होती है। और यदि घर में आकर बिल्ली जब कभी दूध पीती है तो ये भी धन हानि होने का संकेत होता है, या उस घर के व्यक्तियों का स्वास्थ्य हानि होने का भी एक संकेत हमें मिलता है। तो आप ये समझ लीजिए कि अभी भी घर में आके बिल्ली को लड़ने ना दें, ना ही उसको रोने दें, तुरंत ही उसको वहाँ से भगा देना चाहिए। देखिए, मारना नहीं चाहिए बल्कि भगाना चाहिए, क्योंकि बिल्ली जो है राहु का वाहन होती है, हम पहले बता चुके हैं, और इसको भगाना चाहिए, ना कि इसको मारना चाहिए। इसी प्रकार देखिए, जब कभी कुत्ता जब घर के बाहर आकर रोता है तो आप देखेंगे कि ये बहुत ऊंची आवाज में जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। इसका कारण यही है कि जब ये रोते हैं तो उस समय घर के बाहर से कोई ना कोई नकारात्मक शक्ति या बुरी शक्तियां वहां से गुजर रही होती हैं या उस घर की तरफ देख रही होती हैं, जो इस बात का इशारा है कि इस घर में कुछ अशुभ होने वाला है। इसलिए ये कुत्ते जो है घर के बाहर आकर रोना शुरू कर देते हैं। तो जब भी कभी कुत्ते रोएं तो आप क्या करें कि आप घर के अंदर आ जाएं, आप अपना घर का मुख्य दरवाजा बंद कर लें, खिड़कियां बंद कर लें और घर के अंदर आके थोड़ी देर बैठ जाएं, ज्यादा देर नहीं, घर के अंदर थोड़ी देर आके बैठ जाएं। जब कुत्ता वहां से रोकर चला जाए तो आप फिर अपने दरवाजे खिड़की को थोड़ी देर बाद खोल लें। इसके अलावा जब भी कभी आपके घर में या घर कुत्ता कभी रो रहा हो तो यह भी एक बहुत अशुभ संकेत होता है, क्योंकि इसका असर फिर घर के मुखिया पर या घर के अन्य सदस्यों पर इसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, जो कि अशुभ होता है। इसलिए घर के बाहर कुत्तों को भी नहीं हमें रोना नहीं देना चाहिए। और अगर कभी कुत्ते रोए भी तो आप उनको वहाँ से हटा दीजिए या वहाँ से भगा दीजिए। ये तभी रोते हैं जब इनको कोई बुरी शक्तियाँ या बुरी आत्मा या कोई नकारात्मक शक्ति जब उनको उस घर के आसपास से गुजरती हुई दिखाई देती है। इसके अलावा इसका उपाय आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपने घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों की बंधन बार बना लीजिए और उसको लटका दीजिए, क्योंकि ये जो बुरी शक्तियाँ होती हैं, नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, ये शुभ वस्तुओं के आसपास भटकती नहीं है। अब मुख्य द्वार पर अगर आम की पत्तों की बंधन बार बंधी होगी तो ये उस घर के आसपास भटकेंगी नहीं, या आएंगी भी तो उसका असर वहाँ पर होगा नहीं। इसलिए हमें ये काम कर लेना चाहिए। इसके अलावा हमें अपने घर में तुलसी का पौधा रखना चाहिए, जिसके निमित्त हमें जो है शाम को जरूर हमें एक दीपक, घी का दीपक जलाना चाहिए, प्रज्वलित करना चाहिए। इससे भी इन बुरी शक्तियों का प्रभाव हमारे घर पर नहीं पड़ता है। देखिए, कुत्ते जो होते हैं ये भैरव के संकेत होते हैं, इसलिए हमें कुत्तों को समय समय पर मीठी लड्डू या मीठी चीज़ें भी खिला देनी चाहिए। इससे भी हमारे घर पर असर, उन नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि फिर हमें संकेत करके बता देते हैं, हमें आगाह कर देते हैं।
देते हैं। इसी प्रकार घर के बाहर आकर कोई गाय आकर रोती हो तो यह भी अशुभ परिणाम देने वाला होता है, इसलिए हमें गाय को भी रोटी वगैरह देनी चाहिए जिससे कि उसका अशुभ परिणाम जो है वो टल जाए। इसी प्रकार आप देखिए जब कभी कौवा जो होता है ये जब किसी व्यक्ति के ऊपर आके बैठ जाए या बार बार आके चोंच मारे तो इसका अर्थ ये होता है कि उस व्यक्ति पे आने वाले 1-1.5 साल निश्चित रूप से जो है खतरनाक होंगे, उसके लिए शुभ नहीं माने जाएंगे, उसके जीवन पर किसी न किसी प्रकार का संकट बना ही रहेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, कौवों को जो है मीठी चीज़ें खिलाना आप शुरू कर दीजिए, इससे उसका प्रभाव टल जाएगा या कम होगा। इसी तरीके से उल्लू वगैरह भी अगर आके बैठे तो हमें उनको भी देखना नहीं चाहिए, उनको वहाँ से हमें हटा देना चाहिए। तो देखिए ये कुछ ऐसी बातें थी हमने आपको बताई थी कि अगर कभी भी घर के बाहर आकर कोई जानवर होता है तो उसका क्या परिणाम होता है और उसका हमें क्या करना चाहिए। तो आप इन उपायों को करिए और अपने घर के बाहर आकर कोई भी जानवर हो रहा हो तो उसको वहां से आप भगाइए, मारिए मत बल्कि भगा दीजिए। जय श्री कृष्णा।